है तो उसमें डिस्टिंग्विश नहीं फिर वो करती। अच्छा। जब तेज हवा आती है तो वो ये नहीं कहती ये कॉम्पली बड़ी खुशी सुबह उठी इस पे बुलबुल बैठी थी, वो ले जाती है सबको उसमें। तो जब भी चेंजेस आते हैं देन इट थ्रोस पीपल थ्रू। मसलन भुट्टो साहब की 1977 की जो एजिटेशन थी, कौन इनकार कर सकता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब एक बाकमाल आदमी था। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल उस रविश में आके वो चढ़ गए, दार की रस्सी से जाके लटका दिए गए, आज तक हम नहीं भूले। सो ये कहना कि ऐसी चीजें आती हैं और लोगों को भाग के ले जाते, बिल्कुल ले जाते, वो रुकती नहीं है। मसलन ये गोजरे में जो इंसिडेंट हुआ है, किसी ने नहीं पूछा कि भाई माई तू तो कुछ नहीं कीता, हाँ जी, तो तेरा घर क्यों जला दिए, धड़ाधड़ जला दिए। सो ये एक वायलेंस की रविश या जो भी एजिटेशनल रविश होती है उसमें ये बड़ा मुश्किल है कहना कि जी वो चूंकि वो वुजू करके बैठा हुआ है तो उसको छोड़ दिया। आपको हमने हमेशा हंसते मुस्कुराते ऐसी बातें करते बीच में मजेदार पंजाबी के फकरे लगाते हुए, डिप्रेशन होता है? ऑफ कोर्स। कब होता है? कब होता है? देखिए मैंने किन बातों पे होता है? तीन चार पांच छह बातों पे मैं खफा होता हूँ और मैं दिल दुखता हूँ। मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ कि भाई अपने जो जज्बात है उसको संभाल के रखो। अच्छा। मौके आएंगे, मसलन मेरे वालिद फौत हुए, मुझे बहुत तकलीफ हुई, हालांकि 82 साल की उम्र में बहुत हुए, बड़े खूबसूरत आदमी थे, आपको मिलते तो बहुत खुश होते, देख के ऐनक लगा के देखते। अच्छा, उनको नहलाया भी मैंने, उन्होंने कहा ना किसी मौलवी को हाथ लगाने देना मुझे, और मैं बहुत रोया अपने बाप की मौत पे, हालांकि 82 बरस की मौत है, बड़ी आला जिंदगी। मेरी वालदा फौत हुई अभी 3-4 महीने हुए, बुजुर्ग थे, मुझे अफसोस हुआ उनके आना। मेरा बेटा बीमार बहुत हो जाए मुझे तकलीफ होती है, लेकिन फजूलियात पे आई रिफ्यूज टू वेस्ट माई इमोशन। जी महंगाई होगी मैं ही करा, महंगाई बिजली नहीं आ रही, मैं क्या कह रहा बिजली नहीं आ रही, मैं अच्छा कह रहा कि बिजली नहीं आ रही, मैं कहता हूँ बर्फ बगल में रखे बैठे उससे कुछ ठंडा। सो आई हैव नो टाइम टू गेट एंग्री और वेस्ट माय इमोशन ऑन थिंग्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट। लाइफ की क्या इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए रिश्ते बहुत। आई एम इफ माय इफ मेरी दुल्हन इज एंग्री विद मी दैट इज अनएक्सेप्टेबल टू मी। मैंने तहैया किया है उनको खफा नहीं करना, बल्कि इस हद तक अब तो अब 14 साल होने वाले हैं हमारी शादी को कि दुल्हन कहती है कि मैं कहता हो गया पुत्र हो गया। यानी हमने ना रखी नहीं हुई है, सही मायनों में गुलाम है होनी चाहिए। देखिए मैं 100% देखिए हमारे माशरे में ये अजीब बात है, देखिए जब लड़की आती है ना हमारे घर दूसरे घर में, उसका जो अपना घर है इट इज सीन द लास्ट ऑफ हर, कहते ना देखी तेरी लाश या बड़े मरो लगती और गई गई उतर। उस घर में उसको बुली करने वाला सुसर भी ऐसा एक शख्स है जिसको वो बुली कर सकती है, उसका शौहर। अगर वो ही आगे से लपड़ मारे तो वो क्या करे, एक है उसके पास, उसका फर्ज है। तो आप जानबूझ के डेलिबरेट बुली हो जाते हैं? नहीं, देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, जब आप शफकत बरते ना तो आपको इन रिटर्न शफकत मिलती है। हाँ। जब दूसरी पार्टी को आपके पार्टनर को पता हो कि इसने ना करनी ही नहीं है तो वो सोच के मां को बात करेगी, भाई हमने तो हाँ कर दे नहीं, आगे आप जाने। सपोजिंग शी वर टू टेल मी बाय मी अ डायमंड रिंग, आई से यस, इट कॉस्ट 20 लाख रुपीज, पैसे उन्हीं के पास है, मुझे तो आज सुबह सवेरे 1500 रुपए मिले। अच्छा, इसी तरह की मजेदार बातें हमारी चलती रहेंगी नईम बुखारी साहब से। एक हम ब्रेक ले रहे हैं, बल्कि कमर्शियल छोटे से आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं हम टीन एजर्स को मेकअप, इसको आप देखिए और उसके बाद हमें फिर ज्वाइन कीजिए हमारे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Assalamualaikum viewers, मैं हूं सामा तबसुम फ्रॉम फेमिना हेयर मेकअप इंस्टीट्यूट और आप लोगों का आज का प्रोग्राम है फेमिना ब्यूटी एक्सपर्ट। आज हम इस प्रोग्राम में जो सेगमेंट दे रहे हैं वो टीन एजर्स मेकअप से रिलेटेड है, वो मेकअप जो कि नॉर्मली टीन एजर्स और हाउस वाइफ दोनों कैरी कर सकती हैं। उसमें जो हम कलर्स बताएंगे और जो मेकअप का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ईजी है और आप लोगों को भी ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि उसमें जो कलर्स हैं रूटीन में पहने जाने वाले कपड़े कॉटन या लॉन के कपड़े, उसमें अगर लाइट से मेकअप कैरी किया जाए तो उसका तरीकाकार क्या होगा वो हम आपको बताएंगे क्रायलॉन प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो चले चलते हैं अपने मेकअप की तरफ कि आज का हमारा रूटीन कैजुअल मेकअप किस तरह से होगा।
हम बात कर रहे थे रूटीन और टीनेजर मेकअप की, तो आज हम अपने मॉडल पे मेकअप करने जा रहे हैं। वो कोई भी हाउसवाइफ, कोई भी स्टूडेंट उसको कैरी कर सकती है। उसमें जो हम बेस यूज करेंगे वो रूटीन बेस में आप इजीली अपने ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। और इसके अलावा उसमें जो हम ब्लशिंग, कंटूरिंग, आई मेकअप या लिपस्टिक यूज करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और नेचुरल लुक में है, मगर उसको अप्लाई करने के बाद आपके फेस का स्ट्रक्चर, आपके फेस लुक्स और ओवर लुक बिल्कुल भी फील नहीं होगा, क्योंकि डे टाइम में जो हम कलर्स यूज करते हैं अगर वो बहुत ज्यादा हार्श हो तो वो डे लाइट में बहुत ओवर लगते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना रूटीन मेकओवर। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने अपनी टीनेज मॉडल के जो बेस बनाया बहुत लाइट होते हैं, बिल्कुल नेचुरल लुक है। इसके ऊपर हम जस्ट लाइट सा कॉम्पैक्ट यूज करेंगे और कॉम्पैक्ट हम यूज करेंगे TL9। जिस तरह आपने देखा हमने बेस कंप्लीट कर लिया, उसको फिनिश कर लिया TL9 फिक्सिंग पाउडर के साथ, मस्कारा फिनिश किया। और मस्कारा फिनिश करने के बाद रूटीन मेकअप और टीन एज मेकअप के अकॉर्डिंग हम जो कलर्स यूज़ करेंगे, ब्लश ऑन में पीच ब्लैक यूज़ कर सकते हैं इन क्रायलॉन, और इसके अलावा 21 पिंक, और अगर थोड़ा सा मॉडल टच देना है बट नॉट इन डे टाइम, अगर हम यही मेकअप इवनिंग में कैरी करेंगे तो हम रॉड ब्राउन या किसी भी ब्राउन जिससे हम कलर को ब्लश और कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अभी हम अपने मॉडल के जो ड्रेस उनका कलर है रॉयल ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर है, इस कलर के अकॉर्डिंग हम पीच और पिंक को मिला के यूज़ करेंगे। इस तरह आपने देखा मैंने कि आईब्रोज कलर एक्वा कलर ब्राउन से ड्राई फॉर्म में किया है, बहुत लाइट है टच, क्योंकि टीन एज में आपके फेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लुक देने से बहुत हार्श लुक आती है, तो उस स्ट्रांग लुक को सॉफ्ट करने के लिए आईब्रोज पे बहुत लाइट सा कलर यूज़ करेंगे ताकि सॉफ्टनेस आए, और जो हम लाइट सा नेचुरल टोन में या इनके अगर ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई कलर लाइट सा ऐड करें तो उसमें बैलेंस आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। सबसे पहले हम लगाएंगे लाइनर। अगर आप हाउसवाइफ हैं या नॉर्मल स्टूडेंट हैं और आपको आइडिया नहीं है कि हाउ टू अप्लाई द लाइनर विद प्रोफेशनल प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आप एक्वा कलर ब्रश के साथ वेट करके यूज़ कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको केक को यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो क्रायलॉन में ही आपको लिक्विड लाइनर मिलेंगे जो नॉर्मल ब्रशेस के साथ होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों की कंपैरिजन है जिसकी प्रैक्टिस आपको हो, अगर नॉर्मल ब्रश की उसके साथ या फिर एक्वा कलर केक के साथ आप इसको मिक्स करके आईज पर अप्लाई कर देंगी। नॉर्मल लाइनर लगाने के बाद जैसे हमारे मॉडल का ड्रेस है ब्लू, उसी से मैचिंग का इंटरफेरेंस, इसी तरह कोई भी ड्रेस जब आप वेयर कर रहे हो तो उसी के मैचिंग का आप एक इंटरफेरेंस पिक कर रहे हैं, उसको डम ब्रश से लाइनर के ऊपर लगाएं, बहुत इजीली इसको सॉफ्टली स्मच करें एंड हाईलाइट करें, यू हैव अ कंप्लीट ओवरऑल कैजुअल लुक। जैसे कि आपने देखा मैंने ब्लू इंटरफेरेंस यूज़ किया है बहुत डैम्प, और उसको लाइनर के ऊपर लगाया और लाइनर के साथ साथ इसको स्मच कर लेंगे ब्रश से, तो इसके पार्टिकल्स बहुत लाइट से पार्टिकल्स ऊपर की तरफ ब्लेंड हो जाएंगे, ब्लूइश टोन मिलेगी। बहुत इजी एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, तो ये आप आसानी से कर लेंगे। जिस तरह आपने देखा